Assalamualaikum जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर लॉन्ग टाइम नो सी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी आपने, इंशाल्लाह अब मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स आएंगे अब। और दूसरा मैंने आपसे ये बात करनी थी, इतने दिन व्लॉग ना आने की वजह वो ये थी कि मैं जा रहा था दुबई, वीज़ा वगैरह पासपोर्ट हर चीज़ आ गए थे, और साथ ही ये न्यूज़ भी आ गई थी कि 13 फरवरी को ऑटो शो आ रहा है मुल्तान में, है ऑटो शो ऑफिसियल BH में, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा 2-3 साल बाद शो आ रहा, क्यों ना हम ये शो अटेंड करके जाएं। तो दुबई का हमने थोड़ा सा किया डिले, अब हम शो अटेंड करके जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और आप लोगों ने सपोर्ट इसी तरह करना है, बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दो मिस्टर अबूबकर4। और गाड़ी की हमने काफ़ी सारी चेंजिंग्स करनी है क्योंकि हमारे अपने शहर में शो आ रहा है, तो क्यों ना ट्रस्ट ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो अभी गाड़ी की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, इस टाइम क्या मौजूदा हालत है, क्या सूरत हाल है, और हमने क्या कुछ चेंज करना है वो आपको आगे चल के बताएंगे। जो काम हमारे मुल्तान में होंगे वो हम मुल्तान में करवाएंगे, और इसके बाकी जो चेंजिंग्स करनी है मैंने वो लाहौर से होंगी। तो बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है, बाकी काम मेरा है, और इंशाल्लाह आप डेली व्लॉग्स आएंगे। इस टाइम फ़िलहाल तो हमारे कपड़े की हालत बहुत ही कोई फारिंग किस्म की हुई है, थोड़ा उतारते हैं नीचे से, देखते हैं नीचे से क्या हालत है इसमें। गाड़ी शाड़ी पे कपड़ा शपड़ा मैंने लगा लिया है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा चमक गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल्ली डेड ड्रॉप है, ये देखो डेड ड्रॉप के नुकसान तो भी देख लो। फ्रंट से आपको गेड़ा करवाए तो फ्रंट से ये लुक आ गया, अच्छा। तो गाड़ी की सूरत हाल जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, अंदर से गेड़ा करवाते हैं गाड़ी का, अंदर से क्या हाल है क्या कुछ है। अच्छा अंदर आए तो अंदर हमें मिलेगा ये एक स्पॉइलर जो हमारा उतर गया था फोटो बनवाते हुए, ये फ्रंट कनार्ड जो हमारा टूट गया, ये टूटा नहीं है बल्कि यहाँ से पेच निकल गया, और ये है हमारा आर्म रेस्टर। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम, गाड़ी जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है माशाल्लाह फुल शाइन मार रही है, वो इसलिए क्योंकि मैं कल इसको वॉश करवा के खड़ी की थी, और कपड़ा इसलिए मारा क्योंकि ये हमारा वॉश नहीं हुआ हुआ, लेकिन खैर कोई नहीं, कपड़ा शपड़ा मारा तो अच्छी बात है, मशीन फुल शाइन मारते हैं। तो अब इसका जो मुल्तान का काम है ना, जो मुल्तान में करवाना है, अब हम वो करवाएंगे, वो अभी चलते हैं। चलो जी गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी को उठाते हैं ऊपर। ओहो गाड़ी के अंदर तो बैठ गए, लेकिन यहाँ पे आज दरवाजा तो मैंने खुद ही खोलना है, भूल गया था, और ये इसकी चाबी भी लेके आते हैं। ताले की चाबी पड़ी थी मेरे रूम में ड्रॉ में, कोक का टीन पैक पीना किसी ने, मेरे रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं वो दिखा नहीं सकता आपको। आए हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है, लेकिन क्यूट के साथ साथ ये हमने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है इसकी, ये बंद हो गया है, बहुत सांस चढ़ गया। ये इसकी इक्के अली भाई की इक्के ट्यून होगी, वन एंड ओनली, वन बाय वन इन पाकिस्तान। इस भाई ने हमारे लिए दरवाजा खोला है, अब इधर आके कैमरा पकड़ बाहर निकलने की टाइम ले बना। आ जा इधर खड़ा हो गया यार ये बंदा, पानी में नहीं गुजारी इस बंदे ने। तो कहते हैं ना घर में, चलो घर से निकाली है और घर वाली जगह गंदी है, ऊंची है और जंप वगैरह है, लेकिन ये हमारी पूरी गली देखो माशाल्लाह से कैसी है,
इधर इतने की स्पीड में गुजरना पड़ता है, जो पीछे ट्रैफिक है बेचारी वो मुझे गालियां निकाल रही होती है। इधर चेक करो, ये रोड है और स्टीयरिंग में देखो कैसे हिल रहा है गुद्दी। अभी यहाँ पे मैंने अपनी एयर को देखने, लेकिन पीछे वाले समझते हैं कि जान बोझ के यार इन्होंने सेवरेज वगैरह डाली थी गली की, तो उसकी वजह उसके बाद बनाए नहीं है। एग्जॉस्ट का तो शशका मारते हैं। चलो जी एग्जॉस्ट देते हैं आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट। चाह सके नहीं ये तो अभी नहीं है यार, जो ऑटो शो पे इसका सीन करना ना मैंने, वो देखना आप लोग। A few moments later. अच्छा तो यार इसका काम शाम आज हमने ये करवाना है, जो हमारा पेपरिंग का काम है और जो हमारा पेंट का काम होगा ना वो हम करवाएंगे मुल्तान से, और जो बाकी हमने एक न्यू चीज करनी है वो करवानी है हमने लाहौर से। ठीक है, लाइट्स नहीं है, कोई और चीज समझ आओ। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई और एक समथिंग न्यू इज कमिंग इंशाल्लाह। और बाकी आप लोग इसी तरह यार सपोर्ट करते रहो, बाकी मेरा काम है हर चीज करना। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट एंड करके हम दुबई चले जाएंगे, दुबई से आके फिर नथ पा देनी है, एक रियल व्हील में आ जाना है। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा यार अब हम चलते हैं इफ्री भाई के पास, और ना मैं सोच रहा हूँ इसकी RGB लाइट्स वगैरह लगवा लो, क्या ख्याल है? ठीक है चलो वहाँ पे जाके देखते हैं ना पेपर वाला काम, और ये RGB लाइट्स और पेपर की शेनिंग जो भी करनी है ये हम आज करवा देंगे, और बाकी जो पेंट रहा वो अभी सूखेगा नहीं, रात को नमी शमी होती है और 4-5 बज रहे हैं अब, तो वो कल का ही करवाएंगे अभी, उसके बाद हम इंशाल्लाह कल परसों लाहौर निकल जाएंगे। लाहौर जाके क्या पता ईके ले जाए हम, वो जो मेरी ग्रीन वाली है ईके हम करवा लें उसको ट्यून, ऑटो शो पे उसको ट्यून करवा लें, क्योंकि वो है D17 और D16 इंजन जो होते हैं ना वो ट्यून्ड हो जाते हैं। इसका मैंने पता किया था माज भाई से, जो बना रहे लाहौर में करते हैं ट्यून्ड, तो वो कह रहे थे यार इसका नहीं होगा। फिर बाप को मत सिखा चल, इसका ही मैंने जो है वो लगवा के देख लो, मैं पता करता हूँ अगर आ गया तो, लक की बात है 50-50, अगर हो गया तो ठीक है, अगर मैंने पूछा अगर ना हुआ तो वो आपकी किस्मत। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ईके को ट्यून्ड करवा लें और इसको हम एक और चीज़ करवा लें, वो आप लोगों को लाहौर ही जाके बताएंगे ना, समझा करो ऐसे ट्विस्ट खराब हो जाता है। ये मेरा स्टीयरिंग देखो बाबा जी, इधर जा रहा है इधर, इसको पता है इसकी अलाइनमेंट, जब से मैंने कैम्बर कराया ना अलाइनमेंट इसकी फायरिंग हो गई है। ठीक है, स्टीयरिंग मेरा इधर ही खब्बी साइड पर जाता रहता है, सीधा करो तो इधर गाड़ी मेरी सज्जी साइड पर जाती है। हो गया उस्ताद जी, गड्डी चुकनी पैनी है उत्ते, अच्छी बल्ली हम डाउन करके घूम रहे थे। आवाम देखो ऐसे देख रही है जैसे मैं किसी के पैसे लेके भागा हूँ। असर की अजान आ गई है, नमाज पढ़ ले पहले फिर बाकी काम करने चलते हैं। Five minutes later. अच्छा तो यार नमाज मौज हमने पढ़ ली है, वो भी उसको पता लड़ी जो रहा है। तू पढ़ा हुआ है स्पॉइलर से, मुझे याद आया हमने तो एक स्पॉइलर भी ऑर्डर किया था, लेकिन उसको मैंने अभी कॉल किया, वो कहते हैं आपने ना बयाना दिया था, आपसे बात करके कहते आओ। बड़ा हरामी हो बेटा, अब यहाँ पे बंदा क्या करे। 20 minutes later. ये कैसी यार ये वोट लग रहे ऑटो प्लाजा आके देखे, इसी भाई अभी थे नहीं तो मैंने उनको कॉल किया अभी एंटर होने से पहले, तो वो कहते हैं यार मुझे अभी 15-20 मिनट हैं, तो मैंने सुबह का नाश्ता किया नहीं और सुबह से, तो कुछ शाम खा लेते हैं तब तक इसी भाई भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद आगे गाड़ी का काम शाम करवाते हैं, क्योंकि वो काम तो आपको पता लंबा होता है बहुत। यार हम ये इधर से मियाँ प्लाजा से इधर स्पॉइलर का तो पता करते जाए। दो यार बहुत तेज है, सर में दर्द हो रहा है आज। आ गया। वालेकुम सलाम यार, ये क्या सीन हुआ है? स्पॉइलर वाले को जो आपने कहा था स्पॉइलर बना दे, उस बंदे ने स्पॉइलर बनाने के बजाय मुझे कहता आपने बयाना शाना नहीं दिया यार, आवाम को मैंने दिखाना था, मैं यूट्यूब चैनल ही बोल गया था, मेरा यूट्यूब चैनल है। थोड़ा सा सुस्त पड़ गया था, उसने स्पॉइलर ही नहीं बनाया, क्या करना है अब। A few moments later.
गाड़ी शाड़ी यार हमने पार कर दी, हम आए इधर मदीना यखनी पुलाव पे क्योंकि यहाँ पे इनके अच्छा है। ये हमने मुर्ग पुलाव मंगवाया, ये यखनी पुलाव है, ये है चिकन बिरयानी और ये हमें ये खिला रहा है। खाना शाना हमने खा भी लिया, ये पार्सल भी करवा लिया, बच गया था, बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था हमने। गाड़ी शाड़ी भाई चेक करें कैसी लुक दे रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 5 minutes later वो छोटा स्पॉइलर लो आपके लिए, हम कुछ लाए हैं। A few moments later अबे से गालियां सुन के आ रहा है भाई जान। अल्हम्दुलिल्लाह कभी रो नहीं किया। ऐसे तो मैं ये गाड़ी देख के आया, कैसे आया तुझे तो बुलाया नहीं है मैंने। थैंक यू फॉर दिस हॉट टी। टेप शेप हमने लगा ली है, अब ये उतरेगी तो नहीं ना, अगर ऊपर बैठोगे नहीं तो इस जैसे बंदे ऊपर बैठेंगे तो उतरनी है यार, वेट बहुत है ना इसका। वाइट कलर की वो लगवा दी है, लेयर जो होती है ठीक है, ऊपर से ये वाइट पेपर उतार देने हैं हमने सारे। थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं लेकिन वो करेंगे हम इफी भाई के पास जाके, अभी हम इधर खड़े हैं आहद भाई के पास। अपनी जगह तुम ब्लैक ना कराते। 5 minutes later भाई का नाम इंट्रो इंट्रो अरम भाई है। अरम भाई क्या हाल है? ठीक है। अरम भाई कहाँ गए? ये क्या करने आया भाई? इनकी अपनी दुकान है। नहीं यार इनको दुकान पे क्यों बिठाया? अली भाई क्या करवा रहे हैं इफी भाई? इनका सर काके ये RGB लाइट्स हैं, इसका मेरा माइंड बंद है, लगवा लो इफी भाई क्या करते हैं, कितना टाइम लगता है? ये हमने पसंद कर ली हैं, ये वाली हैं 10,000 की, ये वाली 4,000। इफी भाई ये कितने की हैं? 4,000 की है ना, हल्की है, ये ना लगाओ यार, ये खर्चा एक ही बार कर रहे हैं। ये अली भाई ने भी इक्के में लगवानी है, इक्के में भाई समझ रहे हो अली भाई आज ये कब आ रही है? ए सस्पेंशन कौन सी भाई? BFT कब आ रही है? ये 3 या 4 को आ जाएगी। बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है, हम आपको हर चीज दिखाएंगे। ए सस्पेंशन ये वाली आ रही है, ये वाली ये अली भाई ये इफी भाई ने कहा होगा आधे आधे ले, इफी भाई ने कहा होगा आधे कब ले गए? ब्लॉग जाएगा ये यार, क्या होगा खाना? आपने आपको समझाया ना इस भाई ने, खाना भी खिला रहे हैं भाई, खाना ये हल्की बात कर रही है। आवर लेटर कम से कम यार 1 घंटा हो गया ना आपको, आए हुए 1.5 घंटा, 1.5 घंटा हो गया यार। इफी भी आप तंग कर रहे हो यार, देख लो क्या बात कर रहे हो, वो सामने आल्टो का गम काम हो रहा है यार। इसका वैसे रह क्या गया इफी भाई? घंटे कितने, 2 घंटे होने वाले हैं यार आज हमारे पेपर वगैरह काम भी रह गया होना, पेपर तो नहीं होता अभी, इसे वही लाइट्स लगवा देते हैं, बाकी इसका नेक्स्ट व्लॉग में होगा क्योंकि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमें 2 घंटे हो गए हैं आए हुए यहाँ पे। फाइनली यार गाड़ी हम निकाल रहे हैं तो डक पे लगानी है, वो फ्री हो गया। Hide and bury me, all in my head alone, calling your name but only feel the cold. I sense the change in energy, all of my fears is falling. अब माशाल्लाह रिम बहुत सेक्सी लग रहे हैं, ये वो गाड़ी है जिसको हम ट्यून करवाएंगे, इसके हमने पटाखे निकलवाने हैं। बाय द वे यार रिमो पे फोकस करो तो बहुत प्यारी शाइन आ गई है, करो ऑटो शो जो आ रहा है ना इधर किनारी फिटमेंट होगी, ये इधर बिठा देनी है हमने फुल हैवी करके, पार्किंग के साथ ही है। ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है उनसे पूछ यार, ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है, ऐप का नाम
नहीं है यार। किधर वो मोड़ के हमें खड़ा करके चले गए हैं शॉप पे। बाइक निकाल यार, पता करते हैं कि वो किधर हैं। मेरा फ़ोन अभी खंभे में लगने लग रहा है यार, क्लोज कॉल्स ना कर यार जल्दी। हम मुझे जलील होते फिर हैं तो इधर लड़ाइयाँ करता फिर यार। ये इतना सा है, इसको बचाना समझने बहुत बड़ी फिल्म है। लाइटें नीचे नजर ना आया तो बता रहा हूँ, यहीं पे तो आके जाऊँगा। तो ये थोड़ा किसको मारने के लिए लेके जा रहा है, तोड़ने जा रहा है। तोड़ दे यार, खर्चे तो बचेंगे। खत्म यार। फाइनली 4-5 घंटे जलील होने के बाद गाड़ी का काम हो गया कम्प्लीट। लाइटें शाइटें लग गई हैं, आपको चेक करवाते हैं। All in my head alone, calling your name but only feel the cold. I sense the change in energy, all of my fuse is blown. The fire burns inside, felt in a bonfire. Hour later. Late night हमें फिर दोबारा भूख लग गई थी तो ये हमने पीजे शीजे मंगवाए हैं। ये हमारे अली भाई की तरफ से हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने न्यू रिम दिलवाया है, उसकी खुशी में है भाई। ऐसी है भाई। 20 minutes later. यार ये गाड़ी के अंदर से कोई स्पार्किंग हो गई है मेरे ख्याल से, धुआं निकल रहा है ये डैशबोर्ड के अंदर। ये फुल गाड़ी में से स्पार्क हो गई है कोई तार। ये वायर अभी जल गई थी, ये येलो वाली। शुक्र है मैंने गाड़ी रोक के ना मैंने टर्मिनल इसका उतार दिया था। ये देखो अभी भी स्मोक इसके अंदर से निकल रहा है। पता लग गई थी यार ये स्मोक चेक करें आप, यहाँ से स्पार्किंग हो रही है। तो ये इस लाइटों ने हमें, ये देखो भाई टर्मिनल निकला हुआ है फ्रंट से। ये देखो जरा सा टर्मिनल लगाते हैं, आग निकलती है। आग को दिखाता हूँ मैं जरा। ये निकाल के रखा हुआ है यार, इसको जैसे लगाओ आग निकलती है अंदर से। अब हमने उसका इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर? 20 मिनट्स लेटर। यार फिर भाई आ गए हैं। यार ये इफी भाई से काम करवाया था तो गाड़ी का ये अल्लाह की तरफ से बना स्पार्किंग ओवरलोड की वजह से ना, तो इस पे पार्किंग पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने की हुई हैं जिसकी वजह से स्पार्किंग हो गई थी लाइट। और ये इफी भाई को मैंने कॉल की थी, इफी भाई यहीं पास ही फेरे थे आसपास ही, तो ये आ गए हैं। ये इनकी मेहरबानी है इफी भाई की। अभी टेपिंग वगैरह करवा रहे हैं, सुबह जाके इफी भाई से इसकी वायरिंग वगैरह न्यू बनवा लेंगे, लैदर कनेक्शन बनवा लेंगे। बाकी शुक्र है बड़े नुकसान से बच गए, आग शाग नहीं लगी यार। इसका टर्मिनल वगैरह उतार दिया था हमने। जैसा कि यार गाड़ी शाड़ी हमने पार्क कर ली है तो बस वो थोड़ी सी स्पार्किंग हो गई थी यार, वो ना ओवरलोड की वजह से। ठीक है, बाकी इसकी सारी जो फ्रंट वायरिंग है ना, मतलब फॉग लैंप की, पार्किंग वगैरह की, हर चीज़ की ना, ये दोबारा से कल न्यू करवाएंगे, रीन्यू करवाएंगे, क्योंकि अभी इस पर मज़ीद रिस्क नहीं ले सकते। तो बाकी जैसा कि लाइट्स वगैरह भी लग गई हैं, अब कल जाके प्रॉपर इसका काम शाम करवा के उसके बाद फिर कल आपको दिखाएंगे। यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं, हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।